ओम सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए आपको आज ये बताएंगे कि किस तरह से जो हमारे ये लड्डू गोपाल होते हैं ना, हमारी जो माताएं बहनें हैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। बताया जाता है कि बिना भक्ति के, बिना भाव के भगवान नहीं मिलते, और हम आपको आज ये बताएंगे कि किस प्रकार से एक संत की झोली में भगवान रहते थे। संत तो आप लोग जानते हैं, और उनके पास जो थैला होता है ना, जो झोली, उसी में भगवान जी रहते थे। लेकिन संत जी को पता ही नहीं था, जो महात्मा जी थे उन्हें पता ही नहीं था कि मेरी झोली में भगवान है। तो भक्तों, ये एक संत हुआ करते थे, एक बड़े ही विद्वान संत थे। और आपने देखा होगा संत का क्या काम होता है, जैसे रमता जोगी और बहता पानी। पानी अगर बहता रहे तो अच्छा रहता है, और संत हमेशा एक दूसरी जगह पर जाता आता रहे तो अच्छा माना जाता है। जिस प्रकार से पानी एक जगह पर भर जाए किसी गड्ढे में, तो वो उसमें से स्मेल आने लगती है। एक ऐसे ही संत थे, बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही ज्ञानी थे। और एक दिन की बात है, संत जी जो थे उनका ये काम था, ना तो उनका कोई घर था, ना कोई रहने का पता ठिकाना था। और वो संत जहाँ पर भी जितनी भी भिक्षा प्राप्त हो जाती थी, उसी भिक्षे से जो भी एक रोटी बन जाए, दो रोटी बन जाए, बस उसी भिक्षा को प्राप्त करने के बाद खाना बनाते और ठाकुर जी का भोग लगाते, और भोग लगाने के पश्चात खुद खा करके सो जाते। एक दिन की बात है, संत जब घूमने के लिए निकले और इधर जो वृंदावन है ना, वृंदावन तो आप लोग सभी जाते हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए मेरे ठाकुर जी महाराज और राधा रानी के, बड़े ही सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। वहाँ मेरे ठाकुर जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है, बड़ा अच्छा लगता है। वृंदावन में पहुँच जाओ तो बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, बड़ा आनंद मिलता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम वहाँ से वापस हो आएँ, नहीं, ऐसा लगता है कि बस राधा रानी के चरणों में, मेरे बांके बिहारी के चरणों में बस सारा जीवन व्यतीत हो जाए। तो इधर संत भ्रमण करने के लिए निकले, और वृंदावन की दो गोपियां थीं, और उन गोपियों ने ना कभी भगवान को देखा था और ना ही कभी मंदिर गई थी। इधर जो दो गोपियां थीं
अपना दूध निकाल करके दूध में जामुन डाल के उसे जमाती और जमा करके जो मक्खन होता उस मक्खन को बेचने जाया करती थी, और उस मक्खन को बेच करके जो पैसे मिलते उससे अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर गोपियाँ अपनी अपनी मटकी में दही को लेकर के बेचने के लिए जा रही थी, और जब बेचने के लिए गई तो दही बेच करके वापस लौट रही थी। और इधर ये वही संत जिनकी झोली में, बताया मैंने आपको, जिनकी झोली में भगवान जी रहते थे लेकिन संत जी को पता नहीं था, वही संत यमुना किनारे आकर के एक वृक्ष के नीचे अपनी झोली को रख देते हैं और यमुना मैया में स्नान ध्यान करने लगे। इधर वो दोनों गोपियाएं अपना माखन बेच करके जब वापस लौट रही थी, वापस लौटते समय रास्ते में होकर के आ रही थी, यमुना मैया के किनारे होकर के ही रास्ता था। अब तो महात्मा जी स्नान कर रहे थे, एकदम से दोनों लड़कियों की दृष्टि, उन गोपियों की दृष्टि संत महात्मा जी पे पड़ गई, और जैसे ही उन्होंने संत भगवान जी को देखा, जैसे देखा उन्होंने स्नान करते हुए, तो उन्होंने सोचा कि हमने तो सुना है कि जो संत होते हैं ना उनकी तो, उनके पास तो भगवान जी होते हैं। दोनों लड़कियां सोचने लगी कि जो संत होते हैं हमने तो सुना है कि उनके पास तो भगवान होते हैं, क्यों ना इन संत जी के पास देखा जाए। अब उन लड़कियों ने क्या काम किया कि संत तो नहाने में मस्त थे, इधर वो स्नान ध्यान करने में मस्त थे, और दोनों गोपियों ने क्या किया, जल्दी से दौड़ के गई, मटकी को उतार के रख दिया, और जो संत भगवान, जो संत महाराज थे, आज उन संत की जो झोली थी वृक्ष के नीचे रखी हुई थी, झोली के पास में पहुंच गई। और जैसे ही झोली के पास में पहुंची, भक्तों क्या करने लगे, वो दोनों लड़कियां अब तो उस झोली से जो महात्मा जी का सामान रखा था निकाल निकाल करके फेंकने लगे। जो उस झोले में, थैले में महात्मा जी का लोटा रखा हुआ था बाहर निकाल के फेंक दिया, धोती कुर्ता जो भी वस्त्र थे सब निकाल के फेंक दिए, पूजा पाठ का सामान था सब निकाल के फेंक दिया। ढूंढने लगी उस झोली में भगवान जी को, जब उन्हें नहीं मिले अब तो बड़ी परेशान हो गई, सोचने लगी हमने तो सुना था भगवान जी संतों के पास होते हैं पर हमें तो नहीं मिले। ऐसा विचार कर रही थी तब तक लड़कियों की नजर, दोनों गोपियों की नजर एक बॉक्स पर पड़ी, एक छोटा सा बॉक्स था डब्बा, उस पर पड़ी। जब डब्बे पर नजर पड़ती है, दोनों लड़कियों ने डिब्बे को खोला, और जैसे ही वो डिब्बा खोला सोचने लगी डिब्बे में भगवान जी। एक सखी कहने लगी बहन क्या यही भगवान होते हैं, इन्हीं को भगवान कहते हैं। दूसरी कहने लगी बहना बड़े निर्दयी संत हैं ये तो, इन्हें, इनके अंदर तो दया नाम की कोई चीज नहीं है, इन्होंने तो भगवान जी को डब्बे में बंद करके रख दिया है। ऐसा भी भला कहीं होता है, भगवान जी को डब्बे में थोड़ी ना बंद करके रखते हैं, उनकी तो पूरा पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भोग खिलाते हैं,
खिलाते, मक्खन खिलाते, दही खिलाते, लेकिन उन्होंने तो डब्बे में ही बंद कर दिया गोपाल जी को। ये क्या बात हुई? तब तक दूसरी कहने लगी, सही कह रही है। बोली, बहना तू तो बड़ी सही बात बोली है। देखो तो लड्डू गोपाल के इस छोटे से डब्बे में लेटे लेटे बैठे बैठे देखना, हाथ भी टेढ़ा हो गया है, दोनों हाथ टेढ़े हो गए हैं, दोनों पैर टेढ़े हो गए हैं, जगह मिलती नहीं है हिलने डुलने को, इसलिए हमारे लड्डू गोपाल टेढ़े हो गए हैं। दूसरी कहने लगी, बहना सही कह रही है, देखो तो कितनी परेशानी आती होगी, ना हिल पाते हैं, ना डुल पाते हैं, ना अच्छे से बैठ पाते हैं, ना लेट पाते हैं, डब्बे में बंद करके रखा है संत जी ने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं होता, ये संत तो अच्छे नहीं मालूम पड़ते। अब तो दोनों लड़कियां बड़े प्यार से, मेरे गोविंद, मेरे बांके बिहारी, मेरे सावरे सरकार, दोनों लड़कियां लड्डू गोपाल से बोले, लड्डू गोपाल आप ऐसा कीजिए, अपने हाथ पैर जो टेढ़े हो गए हैं इनको सीधा कीजिए और आप बाहर निकल आओ, हम आपको माखन खिलाते हैं। दोनों लड़कियों ने कोशिश करने लगी भगवान जी को डब्बे में से निकालने की, उनके जो हाथ पैर टेढ़े हो गए थे उनको सीधा करने लगी। दोनों लड़कियां हाथ पैर सीधे करते करते थक गई, लेकिन हारी नहीं। भगवान उनका ये सरलता भरा प्यार भाव, प्यार भरा भाव देख करके बड़े ही आनंदमय हो गए, बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा था मेरे लड्डू गोपाल को। बार बार लड़कियां प्रयास करती हैं गोपाल को उस डब्बे से निकालने की, उस डब्बे में से निकालने के लिए, लेकिन भगवान उस डब्बे में से निकल ही नहीं रहे। भगवान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब तो जब काफी समय हो गया लड़कियों को भगवान जी के हाथ पैर सीधे करते करते, लेकिन सीधे नहीं हुए। कहते हैं ना, जहाँ दो जने लड़ते हैं ना, जहाँ दो लोग लड़ रहे हों तो एक तो हारता ही है। इधर दोनों लड़कियां प्रयास करती रहीं, हारी नहीं, तो मेरे लड्डू गोपाल को उनके सामने हारना ही पड़ा। एकदम से उन्होंने अपने हाथ पैर सीधे कर लिए। दोनों लड़कियों ने झट से लड्डू गोपाल की मूर्ति को बाहर निकाला और उन्हें स्नान ध्यान कराया। स्नान ध्यान कराने के बाद में बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें माखन खिलाया। और माखन खिलाने के बाद बड़ा ही लाड़ लड़ाने लगी। जब लाड़ लड़ाने लगती हैं तो उसी समय मेरे भक्तों, जो महात्मा जी थे ना, जिनकी झोली में भगवान जी थे, तब तक क्या हुआ, वो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आ गए। जब लड़कियों ने दूर से आता हुआ देखा तो एकदम से भागने लगी। संत जी थे, सोचने लगे, शायद लगता है ये लड़कियां मेरी झोले से, मेरे थैले से कुछ लेके भाग गई, इसलिए मुझे देख करके भाग रही हैं, कुछ चुरा लिया उन्होंने मेरा। लेकिन लड़कियां तो संत जी के डर से भाग रही थी। अब तो संत जी आए, अपना सामान देखा कि कुछ ले तो नहीं गई, सामान जैसा के तैसा। भगवान जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। जैसे उन्होंने लड्डू गोपाल की मूर्ति को सीधा देखा और मुस्कुराते हुए देखा, एकदम से चरणों में गिर गए।
विनती करने लगे मेरे गोपाल से। महात्मा जी सारी बातें समझ जाते हैं। जैसे तैसे पता किया कि लड़कियां कहाँ से आई थी, कौन थी। गोपियों के घर गए, चरणों का स्पर्श किया, हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे। जवाब दिया, क्षमा करना, शायद आपके लिए हमारे मुखारविंद से कोई भी शब्द निकल गया हो। कहने लगे, आप धन्य हैं, बड़ा ही आपका जीवन धन्य है। समझ नहीं आता कि मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं। आपकी वजह से ही मुझे लड्डू गोपाल का दर्शन प्राप्त हो पाया। आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल मिल गए। आज तक मैं अपनी झोली में उन्हें रख के फिरता था, लेकिन भगवान नहीं मिले थे। आज तक घूमता रहा, जगह जगह पर पूजा करता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन भगवान मुझे नहीं मिले। अगर आज आप नहीं आती तो मुझे भगवान कभी नहीं मिल पाते। बड़ा ही सौभाग्य है मेरा कि आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल मिल गए। कहते हैं भक्तों, भगवान बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। हमारा भाव बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। कहते हैं कि भाव बिन कोई पुकारे तो मैं कभी जाता नहीं। गीता में भगवान जी ने कहा है कि भाव बिन कोई पुकारे तो मैं कभी जाता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। कहते हैं भगवान कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। ये नहीं कहते वो कि मुझे लड्डू चढ़ाओ, मुझे पूड़ी खवाओ, मुझे कचौड़ी खवाओ, मुझे हलवा खवाओ। नहीं, अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, तो केवल सच्चे भाव से, सच्चे मन से, एकांग्र चित होकर के भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, तभी मेरे गोविंद का दर्शन प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि आप भी ऐसा मत करना जैसे कि वो संत जी अपनी झोली में भगवान को लेके फिरते रहे, लेकिन भगवान उन्हें मिल नहीं पाए। तो भगवान जी को अपने घर में मूर्ति लगाना, उनकी प्रतिमा रखना, यही भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति तो वो होती है जहाँ भगवान का दर्शन हो जाए, उनकी दिव्य दृष्टि आपके ऊपर हो जाए, तो भगवान का दर्शन होता है। ऐसे नहीं कि उनकी प्रतिमा को रख लिया और भगवान की कृपा दृष्टि हो गई आपके ऊपर। तो भक्तों, भगवान के चरणों में ध्यान लगाते रहिए, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते रहिए, अर्चना वंदना करते रहिए, तो आपका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए भागवत महापुराण की।